press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अलवर की अगर बात करें तो अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ में हैं। इस समय गोविंदगढ़ प्रचार के दौरान यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम जितेंद्र सिंह जी से जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति क्या मानकर चल रहे हैं अभी आज की स्थिति में। देखिए, ये चुनाव अब अलवर की जनता लड़ रही है, अलवर का विकास का चुनाव बन चुका है जी, और बहुत बड़ी जीत होने वाली है अलवर में। तो अभी हम माने जैसे 8 लोकसभा विधानसभा हैं अपने क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको कहीं प्लस माइनस खुद भी कहीं ना कहीं नजर आता होगा कि कहां हम आगे चल रहे हैं, कहां पीछे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, सभी जगह पर आगे चल रहे हैं, कहीं पीछे चलने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि अलवर की जनता चुनाव लड़ रही है, 5 साल का कार्यकाल महंत चांदनाथ जी का देखा हुआ है अलवर की जनता ने, और उसके बाद एक और बाबा जी आ गए हैं, उनके ही चेले आए हैं लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अलवर की जनता के अंदर अलवर की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक तरफ तो बाबा जी वोट मांग रहे हैं अलवर की जनता से और खुद का वोट डालेंगे वो रोहतक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है कि एक बाहरी आदमी आकर यहाँ से वोट मांग रहा है तो उसका अलवर की जनता से कितना जुड़ाव रहेगा और यहाँ की समस्या किस तरह से वो समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। हम यहाँ की बात करें, अलवर के मुद्दों की बात करें, क्योंकि आपके टाइम में जो विकास के कार्य हुए थे, आपका मुख्य एजेंडा भी चुनाव में वही रहा है कि आखिर वो विकास कार्य रोक दिए गए। आपका सीधा सीधा ये है कि उनको रोके हुए कामों को शुरू करवाना है। इसके अलावा मुख्य और मुद्दे आपको क्या नज़र आते हैं कि अलवर के विकास की अगर बात करें? देखिए, सबसे पहला तो हमारा ये रहेगा कि अलवर के अंदर पेयजल समस्या बहुत ज़्यादा है, विकट रूप ले हुई है। हमें दोनों यमुना और चंबल का पानी लाना पड़ेगा, जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं उनको जीवनोद्धार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी हमें आज बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अलवर जैसी जगह पर जहाँ इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ इतना ज़्यादा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं, और उसको हम किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर भी हमने एक पूरा इसका एक खाका बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है, और उससे हम करेंगे। अभी कल अमित शाह जी की यहाँ मीटिंग हुई थी अलवर ज़िले में, तो उन्होंने यह कहा कि मोदी सरकार ने 133 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन हम उन योजनाओं पे वोट नहीं मांग रहे। आज देश सुरक्षित है तो मोदी जैसे नेतृत्व में ही सुरक्षित मान करके वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, अब मैं अमित शाह जी जो कहते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि जो भी उनकी बात ने रखी है आज तक, चुनाव पिछला भी चुनाव जीता था, पिछली बार भी मोदी को ही वोट मिला था, अलवर से चांदनाथ जी को नहीं मिला था जी। तो अलवर के लिए वो क्या कर पाए, और 135 जो योजनाएं हैं उनमें से तो मुझे एक भी योजना नहीं दिख रही उनकी कौन सी है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे आम जनता हो, मिडिल क्लास के लोग हों, वो आज दुखी हैं इस सरकार से। उनका कहीं ना कहीं घर का बजट गड़बड़ा गया है, और सिर्फ भाषण देने से देश सुरक्षित है तो ये एक बहुत बड़ी उनकी भूल है। आज मेरे ख्याल से देश असुरक्षित है उनकी वजह से, क्योंकि आज जिस तरह का पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि आप ही जाकर और कभी वहाँ बिरयानी खा जाते हैं, कभी शॉल ले आते हैं, कभी साड़ी देके आ जाते हैं, आज एक तरह से देश को कमज़ोर करा है माननीय मोदी जी ने। आप देखिए कि 10 साल हमारी UPA सरकार रही, और उसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, उसका एक मैसेज ये गया है कि हमारा देश घुटने नहीं टेकेगा, और एक वो एक पूरे दुनिया के अंदर वो मैसेज गया था। आज हम शहीदों की बात करें तो इनके राज के अंदर, चाहे अभी के 5 साल हों या वाजपेयी जी के टाइम पर कारगिल की जो युद्ध रहे, ये चाहे 70 साल में इतने शहीद नहीं हुए होंगे जितने इनके राज के अंदर शहीद रहे हैं। तो ये सब बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन हम अगर हम फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो ये सारी झूठ है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता भाषण के दौरान ये बातें रख रहे हैं वो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नजर आ रही हैं। कैमरामैन मोहित के साथ जुगल किशोर गांधी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।